दोस्तों मैं स्टूडियो में बताने वाला हूँ कि आपका भी व्हाट्सएप स्टेटस नहीं चल रहा है। चलिए जैसे मैं यहाँ पर स्क्रीन पर आपको दिखा दे रहा हूँ, जैसे मैंने यहाँ पर व्हाट्सएप यहाँ पर ओपन कर लिया, ठीक है। व्हाट्सएप जैसे मैंने यहाँ पर ओपन कर लिया, अब यहाँ पर आपको दिखा दे रहा हूँ, जैसे मैं स्टेटस बार में यहाँ पर आया तो यहाँ पर मेरा काफ़ी सारा स्टेटस आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। आपको भी देखने को मिलता होगा। अगर आपको बताने वाला है कि जैसे आप व्हाट्सएप पर ऐसे क्लिक करते हैं, जैसे आपको दिखा दे रहा हूँ, जैसे व्हाट्सएप पर मैंने क्लिक किया तो यहाँ पर मेरा व्हाट्सएप यहाँ पर स्टार्ट हो गया। अगर आपको भी व्हाट्सएप स्टेटस नहीं चल रहा है, ठीक है, तो इस प्रॉब्लम को किस प्रकार से आप सोल्व कर पाएंगे, चलिए आपको इस वीडियो में लाइव प्रूफ करके दिखाने वाला हूं। तो आपको क्या करना होगा, यहां से आपको डायरेक्ट कट कर लेना है। कट करने के बाद यहां पर आपको क्या करना होगा, अपने व्हाट्सएप पर आपको लॉन्ग प्रेस करके किस प्रकार करना होगा, ठीक है। यहां पर आपको ऐड आई बटन का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा या इन्फो का, ठीक है। आई बटन पर टाइप करेंगे तो यहाँ पर आपका इस प्रकार का इंटरफेस ओपन हो जाएगा, ठीक है। अगर आपको इस प्रकार का इंटरफेस ओपन नहीं हो पा रहा है, आई बटन का ऑप्शन नहीं दिखाई दे रहा है लॉन्ग प्रेस करने के बाद भी, तो आपको क्या करना होगा, अपने मोबाइल के सेटिंग को ओपन कर लेना है। जैसे मैं यहाँ से अपने मोबाइल के सेटिंग को ओपन कर लेता हूँ, जैसे मैं मोबाइल के सेटिंग को यहाँ पर ओपन किया, ओपन करने के बाद यहाँ पर आपको क्या करना होगा, डायरेक्ट आपको नीचे होगा आना होगा। यहाँ पर आपको ऊपर में ही ऐप्स का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा या ऐप मैनेजमेंट का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, ठीक है। ऐप्स पर टाइप करना है और यहाँ से फर्स्ट में ही ऊपर में दिखाई देगा ऐप मैनेजमेंट ऑप्शन, ऐप मैनेजमेंट पर टाइप करना है और यहाँ पर आपको देख लेना है कि आपका व्हाट्सअप कहाँ पर है, ठीक है। चलिए मैं यहाँ से थोड़ा चेक कर लेता हूँ मेरा व्हाट्सअप कहाँ पर है। देखिए मेरा व्हाट्सअप दिखाई दे रहा है, व्हाट्सअप पर आपको सिंपली टाइप करना होगा। तो जो ऑप्शन आई बटन पर टाइप करने के बाद ये ऑप्शन खुलता था, वही ऑप्शन यहाँ पर सेटिंग में भी आकर आप व्हाट्सअप पर आ सकते हैं। देखिए यहाँ पर आ चुका है। अब बात करने वाला है कि यहाँ से आपको क्या क्या करना होगा सेटिंग, तब आपका व्हाट्सअप स्टेटस चलने लगेगा, चलिए आपको बता दे रहा हूँ। तो आपको सबसे पहले क्या करना होगा, यहाँ पर मैनेज नोटिफिकेशन पर आपको टाइप करना होगा और यहाँ से देखना होगा कि आपका नोटिफिकेशन अलाउ है या नहीं। अगर आपका नोटिफिकेशन ऑफ रहता है, इसको आपको अलाउ करना होगा, ठीक है। यहाँ पर आपको देख लेना है इंटरनल वायरोड जो भी आपका होगा, सब यहाँ पर आपको मिला लेना है कि आपका सब अलाउ है कि नहीं। यहाँ पर सेंडिंग मीडिया जो भी आपका है नोटिफिकेशन का, ये सब आपको अलाउ होना चाहिए, सबका आपको अलाउ होना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ से आपको बैक होना है। बैक आने के बाद यहाँ पर आपको सिंपली आपको परमिशन वाले ऑप्शन पर टाइप करना है। परमिशन पर जैसे ही आप टाइप करेंगे तो यहाँ पर आपको देख लेना है कि जो यहाँ पर कॉल लॉग कैमरा कॉन्टैक्ट ये सारे ऑप्शन आपको अलाउ होना चाहिए। लोकेशन या वैसे आप कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते हैं, ठीक है। तो जैसे मैं यहाँ पर दिखाई दे रहा है मेरा नोटिफिकेशन सभी यहाँ पर अलाउ है, दिखाई दे रहे ऊपर में यहाँ पर आपको ये अलाउ है। जो भी आपका यह कॉन्टैक्ट कैमरा सब यहाँ पर जो ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है, सब फोटो एंड वीडियोज का, ये भी आपको अलाउ होना चाहिए। डोंट अलाउ टाइप रहेगा इस प्रकार से, तो आपको अलाउ पर टाइप रखना है, ठीक है। इस प्रकार से आपको सभी को अलाउ कर देना है। इतना करने के बाद यहाँ से आपको बैक आना है। उसके बाद यहाँ पर आपको डाटा यूज के ठीक नीचे स्टोरेज यूजेज पे आपको सिंपली टाइप करना होगा और यहाँ से क्लियर कैच वाले ऑप्शन पर टाइप कर देना है। अगर आप क्लियर डाटा करते हैं तो आपका व्हाट्सएप का सारा डाटा यहाँ से क्लियर हो जाएगा, यानी डिलीट हो जाएगा, यानी व्हाट्सएप में सारा आपका चैट फोटो वीडियो जो भी आपके व्हाट्सएप में होगा सब ऑटोमेटिक यहाँ से डिलीट हो जाएगा क्लियर डाटा कर देंगे तो, ठीक है। व्हाट्सएप को क्लियर डाटा करने से पहले आप अपने व्हाट्सएप में चैट बैकअप ले लेना है। चैट बैकअप कैसे लेना है वो भी आपको वहाँ पर बता दूंगा, ठीक है। तो आपको क्लियर डाटा करने से पहले, अगर आपका व्हाट्सएप स्टेटस नहीं चल रहा है इतना करने के सेटिंग करने के बाद, तब क्लियर डाटा आपको करना है, ठीक है। उसके बाद आपको चैट बैकअप लेने के बाद क्लियर डाटा करना है, ठीक है, ताकि आप क्लियर डाटा कर भी देंगे आपका सारा चैट डिलीट भी हो जाएगा, तो आप चैट बैकअप के जरिए आप आसानी से फिर से अपना सारा चैट रिकवर कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से आपको क्लियर डाटा नहीं करना है, यहाँ से आपको डायरेक्ट बैक आना है। अब आपको देख रहे हैं यहाँ पर पिक्चर इन पिक्चर यहाँ पर अलाउ है कि नहीं, इसको भी आपको अलाउ रखना होगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आपको फोर स्टॉप पर आपको सिंपली टाइप करना है और यहाँ से फोर स्टॉप पर टाइप कर देंगे, ये हो चुका है, ठीक है सेटिंग। अब यहाँ से आपको बैक आना है, ठीक है। इतना करने के बाद आपको फिर से व्हाट्सएप को आपको ओपन कर लेना है, जैसे मैंने यहाँ से व्हाट्सएप को ओपन कर लिया, ठीक है। अब यहाँ पर व्हाट्सएप पर आएंगे, यहाँ पर आने के बाद जो भी आप जिस फ्रेंड का स्टेटस आप देखना चाहते हैं उस पर क्लिक करेंगे तो आपका स्टेटस चलने लगेगा। अब बात करने वाले हैं कि अगर आपका इससे इतना सेटिंग करने के बाद भी अगर आपका व्हाट्सएप स्टेटस नहीं चल रहा है तो आपको अपने व्हाट्सएप को अपडेट करना होगा, ठीक है। अपने व्हाट्सएप को अपडेट कैसे करेंगे वो भी आपको बता दे रहा हूँ। तो चलिए यहाँ पर आपको सबसे पहले प्ले स्टोर ओपन कर लेना है। प्ले स्टोर ओपन करने के बाद सर्च बार में आपको टाइप करना है क्या, व्हाट्सएप लिख देना है। जैसे मैं यहाँ से व्हाट्सएप लिख कर टाइप कर दिया, आपको देख लेना है कि मेरा व्हाट्सएप अपडेट है नहीं। अगर आपका व्हाट्सएप अपडेट है नहीं है तो आपको व्हाट्सएप को अपडेट कर लेना है, ठीक है। इस प्रकार से आपको अपडेट कर लेना है, ये अपडेट हो जाएगा। अब बात करने वाला है कि अपडेट होने के बाद अब बताने वाले हैं कि आपका व्हाट्सएप में जो चैट बैकअप कैसे लेते हैं वो भी आपको बता दे रहा हूँ। तो व्हाट्सएप को आपको ओपन कर लेना है, टाइप करना है, आपको सेटिंग पर टाइप करना है, ठीक है। सेटिंग पर टाइप करने के बाद यहाँ पर आपको चैट्स वाले ऑप्शन पर टाइप करना है और यहाँ से आपको डायरेक्ट नीचे आना है।
यहाँ पर आपको चैट बैकअप का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। चैट बैकअप पर आपको सिंपली टाइप करना है और यहाँ से आपको बैकअप वाले ऑप्शन पर टाइप कर देंगे, ये आपका चैट बैकअप ले लेगा। ठीक है, यहाँ पर आपको 100% यहाँ पर बैकअप पर फिर से आपको टाइप करना है, यहाँ पर बैकअप लेना चालू हो जाएगा। ये पूरा फुल से यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है कितने MB का आपका चैट बैकअप हो रहा है और यहाँ से फुल आपको हो जाएगा 100%, आपका चैट बैकअप हो जाएगा पूरा तरह से। उसके बाद आप अपने व्हाट्सएप को क्लियर डाटा कर सकते हैं ताकि आपका फिर से अगर व्हाट्सएप आप ओपन करेंगे तो आपका सारा चैट आसानी से आपका रिकवर हो जाएगा, यानी आपके व्हाट्सएप में वापस आ जाएगा। ठीक है, इतना करने के बाद भी अगर आपका व्हाट्सएप स्टेटस फिर भी नहीं चल रहा है तो आपको अपने व्हाट्सएप को यहां से अनइंस्टॉल करना, लॉन्ग प्रेस करना है, उसके बाद यहां पर अनइंस्टॉल पर टाइप करके और यहां से अनइंस्टॉल पर टाइप कर देंगे तो आपका ये व्हाट्सएप अनइंस्टॉल हो जाएगा और आप न्यू व्हाट्सएप को फिर से आपको डाउनलोड कर लेना है। ठीक है, न्यू व्हाट्सएप डाउनलोड जैसे ही आप कर लेंगे, उसको आप ओपन करेंगे तो आपका जितने व्हाट्सएप स्टेटस आएंगे फ्रेंड का आपका व्हाट्सएप स्टेटस चलने लगेगा। ठीक है, तो फ्रेंड उम्मीद करता हूं आपको वीडियो अच्छी लगी।